अकेंजा? मैंने नहीं करनी शादी किसी अरसल वर्सल से। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या खराबी है अरसल में? अम्मा ये बड़ी बेवकूफ है ये लड़की किंजा। हाँ ये इतला तुझे जिया मैडम ने दी होगी ना। अम्मा हर बात में जिया को ना ले आया करो। ना कैसे ना डाल लिया करो, वो नैश तेरी जिंदगी से गई कब है? हैं? मैं तुझे बता रही हूँ नबेड़ ये जल्दी जल्दी ये स्यापा। और मैं नबेड़ लूंगा, लेकिन मैंने नहीं करनी ये शादी ये किंजा विंजा से। देखो शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं है, तुम्हारी ही पसंद से रिश्ता किया था हमने। अम्मी जब तक जिया उसकी जिंदगी में है वो पूरी तरह से मेरा हो ही नहीं सकता। आप ये बात समझने की कोशिश तो करें। लेकिन उसकी तो जिया से बनती ही नहीं है। पूरा दिन उसी का नाम का पहाड़ा पड़ता है वो, और आग लगती है मुझे। डिवोर्स क्यों नहीं देता उसे? अच्छा बाबा मैं शाहना से बात करूंगी, तुम थोड़ा तहमल से काम लो, मत फिक्र करो। अच्छा चलो मुझे दिखाओ क्या शॉपिंग की है। हाय अल्लाह क्या हो गया तुझको पुत्र? देख मैं मासूमा से बात करूंगी, वो किंजा को समझा देगी। है तू अपना दिमाग सेट कर। आप कर लो बात, पहले भी आप लोगों ने जबरदस्ती जिया से मेरा निकाह कराया है, आप मेरे पल्ले इसको डाल रहे हो। मैं वेख रही हूं जेड़े चैनल ते तू चल रहा है, तेरे प्यो ने ला जुत्ती लेनी है ते पा लम्मा लेना है, वेले लंगे ने नखरे करा ना ले। अब मार ले जुतियां, कौन सा कोई पहली दफा मारेंगे, हर दफा आपने जुतियों के डरावा दिया मुझे। तू मुझे ये बता तेरे अंदर ये पांबड़ क्यों चल रहा है? अम्मा आपने अच्छा नहीं किया जिया के साथ। भाई आपने अच्छा नहीं किया जिया के साथ, क्या किया मैंने? देखो मेरा एको एक असूल है, जैसा मुंह वैसी चपेड़। आया बड़ा, तेनु भी लानी है मैं एक। और जिया ने किया क्या है? चपेड़ जुत्ती, और कोई बात ही नहीं आती इस घर में किसी को। करा ली ना अपनी तजलील, आगे तो मैं सुकून। मुझे तो ये समझ नहीं आती जिया कि तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो। अम्मा ताई जी का तो दिमाग ही खराब है। ताई जी का दिमाग खराब नहीं हुआ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम उनके बेटे के आगे पीछे फिर रही हो। तो कजन है वो मेरा? कुछ नहीं लगता वो तुम्हारा, सारे रिश्ते सारे ताल्लुक मैंने तोड़ दिए। इतनी जल्दी ताल्लुक खत्म नहीं होते अम्मा। तुम्हें तब समझ आएगी जब वो तलाक के कागज पर साइन करेगा और तुम्हारे मुंह पे मारेगा, तब तुम्हें समझ आएगी कि ये रिश्ता जो सिर्फ कागजी है खत्म हो चुका है। हाँ तो मैं कौन सा उसके साथ रहना चाहती हूँ, दे दे तलाक। बात तुम्हारे चाहने की या ना चाहने की नहीं है, बात मर के छोड़ने की होती है। ऐसी औरतों को सारी दुनिया सौ सौ किस्म की बातें करती है। हाँ तो आप क्या चाह रही हैं, इस डर से मैं तलाक ही ना लूँ उससे? तलाक तो हम लेंगे ही लेंगे, चाहे सारी दुनिया लानतान करे, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि तुम अंदर खाते उसके साथ दोस्तियां निभाती फिरो। कुछ भी नहीं है, आप क्या सोच जा रही हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही जिया कि अचानक उस लड़के पर ऐसे कौन से हीरे जड़ गए हैं कि तुम उसके साथ की करती फिर रही हो। उसकी तो तुम शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। अब भी ऐसा ही है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। मेरी बात सुनो। सर मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। मेरी बात सुनो। रो क्यों रही हो तुम यार? I'm sorry, मुझे पता है अम्मा को ये नहीं कहना चाहिए था। I'm sorry. ठीक है छोड़ो।